संस्कार से कर्मानुसार आसक्ति के वशीभूत होकर आध्यात्मिकता ज्ञानता के वशीभूत होकर हम और आप इन सब योनियों में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। बंधु आज हम मनुष्य शरीर धारी हैं तो यहां प्रयत्न कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए, इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए, इस जन्म जन्म के कष्ट से मुक्त होने के लिए। लेकिन चले गए 84 लाख योनि में जो यही सब है, अंडज पिंडज स्थावर जंगम, वहां पर सुनवाई नहीं है। हम समझते हैं कि कुत्ता और बिल्ली, न उसको पढ़ाई की चिंता, न उसको जो है कमाई की चिंता, न उसको है भोजन की चिंता, कोई चिंता नहीं है, सबसे अच्छे हैं वो। लेकिन उनके हृदय से योगी आत्मा जानता है कि हर पल मृत्यु के भय से डरे रहते हैं 24 घंटा। कब मृत्यु आ जाएगी, कब मृत्यु आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, भयभीत रहते हैं। बड़ा कष्ट है इन योनियों के अंदर, यहां तक कि हम जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, मिल गई अगर सूक्ष्म योनि, मिल गई भूत प्रेत की योनि, तो हजारों वर्ष तक जो है बहुत अशांति और कष्ट में जीवन बीतेगा। रूप और परमात्मा है सत्य चित आनंद स्वरूप, केवल परमात्मा का गुण आनंद है। और हम और आप इस देश के वासी नहीं है, हमारा और आपका धाम है परमात्मा का धाम, मोक्ष धाम, अमर लोक। हम सब वहां के वासी हैं। लौह अग्निवत योग, लौह अग्निवत योग का मतलब है कि लोहे के टुकड़े को आप अग्नि में डाल दीजिए, अग्नि का सारा गुण ले लेता है, अग्नि स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार से जब आत्मा ब्रह्म विद्या विहंगम योग वह विद्या है जिसके द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर, सद्गुरु और जीव, काल और प्रकृति, ये 6 नित्य अनादि नियामक तत्वों पर सृष्टि चल रही है। सद्गुरु के प्रकाश में जीव परब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त करता है। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिसके प्रथम भूमि में मन का निग्रह किया जाता है, मन अंतर्मुख किया जाता है। द्वितीय भूमि में ओम का दर्शन, ओम का श्रवण इत्यादि क्रियाएं होती हैं। तृतीय भूमि जो है इस अध्यात्म की, ब्रह्म विद्या की, इसके अंतर्गत सोहम शक्ति एवं रणंग की साधना की जाती है। रणंग की साधना के समय तक सारी साधनाएं प्राकृतिक है, इसके ऊपर की जो साधना है चतुर्थ भूमि की और पंचम भूमि की, जो चेतन साधना के नाम से जानी जाती है, जो प्रकृति के ऊपर है और अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में ये की जाती है। अक्षर का प्रकाश जब घट में प्रवाहित होने लगता है तब सच मायने में जीव साधना करता है, और सद्गुरु के प्रकाश में, सद्गुरु के धार में परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। विहंगम योग वह विद्या है जो ब्रह्मजा है, ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, यह अति प्राचीन है। वेदों में से अलल तक देवयान पथ, मीन मार्ग, मधु विद्या, पर विद्या के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बोला गया है, पृष्ठात पृथिव्या अहम अंतरिक्ष मारुहम, अंतरिक्षा दियो मारुहम, दियो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योति गामे हम। ये अध्यात्म की 5 क्षेत्रों की वर्णन इसमें कहा गया है।
और कहा गया है वेद में, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्णम तुम सह प्रस्ताद तमेदित्वा तिमृतुमेति नान्यः पंथः विद्यते अनाय। यह ऋचा जो वेद की ऋचा है इस विहंगम योग को दर्शाती है। भौतिक युग में किसी के पास भी भौतिक व्यस्त जीवन से समय निकाल करके अपने आप को जानने का किसी के पास समय नहीं है। इसी संदर्भ में हम सभी यहाँ पर आज सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के तत्वाधान में विहंगम योग समारोह का आयोजन किए, जिसके माध्यम से हम लोगों ने तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के विभिन्न लोगों को यह बताया कि विहंगम योग की साधना आज के इस व्यस्त भौतिक जीवन में क्यों जरूरी है। यह जो विहंगम योग की साधना है, यह एक मेडिटेशन है, ध्यानात्मक क्रिया है, जिसका हम अभ्यास जब करते हैं तो पाते हैं कि हमारी प्राकृतिक जितनी भी शक्तियाँ बाहर जा रही हैं नेत्रों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, जब इसका हम ध्यान करते हैं, विहंगम योग का मेडिटेशन करते हैं, तो सारी शक्तियाँ सिमट करके हमारी अंतर्मुख हो जाती हैं और वह शक्ति भौतिक जीवन में भौतिक ऊंचाइयों को अध्यात्म के साथ साथ प्राप्त कराती है। हम पाते हैं कि भौतिक जीवन में हम बहुत व्यग्र हैं, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की अशांतियाँ फैली हुई हैं, जिन सबों का मुख्य कारण मन है। मन के वशीभूत होकर के हम कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी काम वासना से वशीभूत होकर के व्यभिचार और गलत कार्य करने लगते हैं, किंतु जब हम विहंगम योग की साधना करते हैं, जब विहंगम योग के साधना के माध्यम से मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम पाते हैं कि भौतिक जितनी भी बुराइयां हैं, बाह्य जगत की जितनी भी बुराइयां हैं, प्राकृतिक जितनी भी बुराइयां हैं, स्नेह स्नेह करके, एक बार में नहीं, स्नेह स्नेह करके अभ्यास के करने के दौरान हमारी सारी बुराइयां धीरे धीरे हमारे अंदर से समाप्त होने लगती हैं।